प्यारे बच्चों को मेरा प्यारा सर नमस्कार। देखो इसमें ये दूसरा सवाल है, समांतर श्रेणी -9 -5 -1 का अंतिम पद 67 है तो श्रेणी में कितने पद है? ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो क्या लिखा है, अंतिम पद लिखा है। देखो इसमें वा लिखा है क्या, 67वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे तुम्हें लिखा था पिछले सवाल में 10वां पद ज्ञात कीजिए, इसमें लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो अंतिम पद लिखा है मतलब किसका मान है, एल का मान है। और पहले ही बताया जिसमें अंतिम पद लिखा है उसमें किसका मान निकालना है, एल का। ये उल्टा है, कितने पद है इसमें किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है। और ये अंतिम पद एल मान लास्ट, इसको एल से दर्शाएंगे। एल बराबर क्या हो गया, 67। तो फॉर्मूला सब में वही चीज लगाना है, याद रखना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको लगाना फॉर्मूला, ये इस प्रकार क्या होगा, फॉर्मूला लगा देना इसका, क्या है, समांतर श्रेणी का, देख सकते हो समांतर श्रेणी का एनवा पद या अंतिम पद ऐसे भी लिख सकते हो, एनवा पद। सूत्र वही लगाना है, क्या था, एन की जगह में एल लिख देना, एल बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, एल की जगह में एन की जगह एल लिख देना। अब देखो फिर वैसे लिखेंगे, देखो प्रथम पद मतलब ए, यहाँ से ये ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, वैसे लिखना प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद ए बराबर माइनस नौ, ध्यान देना इसे माइनस है हाँ, ए बराबर क्या हो गया माइनस नौ। फिर लिखोगे सार्वंतर, ये हो जाएगा सार्वंतर, इसे दर्शाते हैं डी से, तो डी बराबर क्या होगा ए टू माइनस ए वन, ए टू का मान कितना हो गया माइनस पांच। यहाँ पर एकदम स्पष्ट ध्यान देना, ए टू का मान माइनस पांच, दूसरा को ही पहले लिखना, ये दूसरा को पहले लिखना है। फिर देखो बीच में माइनस पहले से है, ए वन, ए वन का मान क्या है माइनस नौ, तो कोष्टक में लिखना माइनस नौ। यहाँ पर ध्यान देना ये माइनस पहले से है और ए वन का मान माइनस नौ आगे, इसके कोष्टक में लिखना। तब ये हो गया माइनस पांच, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस नौ। अब देखो ये समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह, असमान चिन्ह घटता है, तो नौ में से पांच गया चार, नौ बड़ा की पांच नौ, इसलिए प्लस रहेगा, तो डी का मान कितना आ गया चार। यहाँ पर ध्यान दोगे आप, देखना इसमें एन का मान नहीं दिया है, एल का मान दिया है, तो लिख लेना अंतिम पद क्या लिखा है, एल बराबर 67, मान किसका निकालना है, एल का मान निकालना है, पदों की संख्या क्या करना है इसमें निकालना है। क्लियर हुआ, अब देखो मान रखना, यहाँ से लिखना समांतर श्रेणी के, यहाँ से लिख सकते हो अंतिम पद भी लिख सकते, एलवा पद नहीं लिखे तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद ऐसे लिख सकते हो, यह क्या देखना एल का मान कितना आया 67, ध्यान देखना मान रखना है, एल का मान 67, इसके नीचे लिख दो 67 बराबर ए, ए का मान कितना आया माइनस नौ, चिन्ह समेत लिखना प्लस, यहाँ पर देखना एन का मान नहीं है तो एन की जगह एन ही लिखना, और डी, डी का मान कितना आया चार, तो कोष्टक में लिखना डी का मान क्या लिखोगे चार। क्लियर हो गया, ये 67 है। देखो माइनस नौ को इधर लाएंगे, देखो पक्षांतर करो, ठीक है पक्षांतर करना, माइनस उल्टा प्लस, यहाँ पर क्या बचा, ये इधर आ गया, ये बचा एन माइनस वन, और यहाँ पर क्या बचा फोर। क्लियर है, 67 और 9 को जोड़ दो कितना होगा 67 तीन 70 और कितना हो गया 76, 76 होगा, बराबर हो गया एन माइनस वन और कितना हो गया फोर। क्लियर है इतना, अब तो ये चार और एन माइनस वन कोष्टक है, कोष्टक मतलब गुणा, तो गुणा को पक्षांतर करोगे तो भाग में आ जाएगा, ये 76 हो गया, ये चार कहाँ गए इसके नीचे में, ध्यान देखना चार गुणा है तो कहाँ गया नीचे में, भाग में आ गया एन माइनस वन। अब इसे पटा दो, चार को पाड़ा पड़ो 19 4 76, ये कितना हो गया देखो, एक साइड 19 बचा और एक साइड एन माइनस वन, माइनस वन को इधर ले आओ, माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, एन बराबर कितना आ गया 20, ये हो गया एन बराबर 20, ये क्या है आपका आंसर है। तो लिख सकते हो अतः श्रेणी में, अतः समांतर श्रेणी में कितने पद है, अतः समांतर श्रेणी में कितना है 20 पद है, ये क्या है आपका आंसर है। समझ में आया होगा, एकदम ध्यान पूर्वक आपको पक्षांतर करना है, बहुत ध्यान पूर्वक वीडियो को देखे और समझे, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो ये आप लोग के लिए गृह कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको बनाना ही बनाना है, एग्जाम में आता है ये प्रश्न, इसलिए देखो सेम उसी प्रकार बनेगा 8 15 22, अंतिम पद 218 है, एक कमान दिया है, इसमें पदों की संख्या निकालना है, इसको देखना 27 24 21, कौन सा पद, पहले ही बताया था कौन सा पद है
तो इसमें एन का मान निकालना है, याद रखना। बताया था कौन सा पद शून्य है, याद रखना क्या है, शून्य है। याद रखना कौन सा पद बोला है तो भी अंतिम पद ही लेना, माना अंतिम पद शून्य है, इसमें क्या लोगे एन बराबर जीरो, इसको याद रखना। फिर लिखा है 5, 11, 17, 23 कोई पद, इसको भी बताया था, अगर कोई पद बोला है इसमें क्या निकालना है एन का मान निकालना है, और जो 301 है इसको मान लेना अंतिम पद, मान लेना क्या है माना अंतिम पद, एल बराबर इसमें भी क्या हो जाएगा 301। इसका आप लोग याद रखेंगे एल बराबर जीरो, इसमें एल बराबर 301 और इसमें एल बराबर क्या दिया 218, इन तीनों में आपको एल का मान निकालना है। पक्षांतर एकदम ध्यान पूर्वक आपको करना है, बहुत ही आसान है और आसानी से आपसे बढ़ जाएगा। धन्यवाद।